कि अभी पूरे बिहार में जो नगर निकाय का दर्जा दिया बिहार सरकार ने, उसको 2023 में चुनाव हुआ, अब विधिवत तौर पे बोर्ड का गठन हुआ, जितने भी बिहार में नगर निकाय है, ये सबसे जुड़ा हुआ सवाल है। और टैक्सेशन जो है 2 साल पहले से लोगों से लिया जा रहा है, तो मेरा आग्रह होगा कि वित्त मंत्री जी भी हैं और तमाम लोग हैं कि जितने भी नए नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम नए बने हैं, जब से बोर्ड गठन हुआ है तब से लीजिए, कोई सुविधा आप दे नहीं रहे थे। सरकार ने जब 2 साल पहले नोटिफिकेशन निकाला तभी से टैक्स उसको बांध रहा है, ये पूरे बिहार के लिए सही नहीं है। आपके इस बजट में रसोईया के लिए कोई प्रोविजन नहीं किया गया कि उनका उनका मानदेय बढ़ाया जाए, आशा का बढ़ाया जाए, ममता का बढ़ाया जाए, गेस्ट टीचर लोग परेशान हैं, उनको कहीं समाहित किया जाए, उस पे भी नाइट गार्ड लोग हैं और उसके बारे में भी उस पर नहीं किया जा रहा है। लाइट राइट टू लेबर एक्ट के तहत उनको भी मिलना चाहिए, उनको 5,000-7,000 रुपया मिल रहा है, इसीलिए नाइट गार्ड को भी किया जाए। और जो भी पेंशन वगैरह मिल रहा है 400 रुपया, कहां से कहां दुनिया चला गया, केंद्र सरकार भी 400 रुपया दे रहा है, चाहे विधवा पेंशन हो, निःसक्ता पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, 400 रुपया दे रहा है। हम मांग करते हैं कि बजट जो पेश हो रहा है कम से कम 2000 रुपया तमाम वृद्धा को, तमाम विधवा को, तमाम निःसक्त लोगों को किया जाए, और बिहार के विकास के लिए कोई बढ़िया नए सिरे से बजट पेश किया जाए, वही उबाऊ, वही थकाऊ, वही वही बदतर बजट नहीं पेश किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।